है अपने अपने झंडे के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से यह खबर निकल कर आ रही है, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता जमकर हंगामा काट रहे हैं। लखनऊ के रामाबाई मैदान पार्क मतगणना केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर देखिए निकल कर सामने आ रही है यहाँ पर, जिस तरीके से लगातार सपाई नेता जो है वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि मतगणना केंद्र के बाहर अब दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो शांत कराने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, दोनों पार्टी आमने सामने हो गए हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिख रही है कि उत्तर प्रदेश का माहौल कितना तल्ख है, और कार्यकर्ताओं में एक तरफ जोश है, दोनों कार्यकर्ताओं में जोश है, बीजेपी के भी कार्यकर्ता और सपा के भी कार्यकर्ता, और एकदम आमने सामने अपने झंडे लेकर जहां पर मतगणना हो रही है। ये सिचुएशन पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल वाली होगी। आज पुलिस का जो है मतलब काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी राय साहब संभालने के लिए। चलिए बाकी मेहमान भी हमारे पास साथ और जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा जी है कांग्रेस से। रत्नेश जी, एग्जिट पोल को तो नकार ही रही थी कांग्रेस, अब एग्जैक्ट पोल भी आने लगे हैं, शुरुआती रुझान है हालांकि, लेकिन उम्मीद के बरक्स मुझे नहीं लगता है कि जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी किसी भी राज्य में उस उम्मीद पर वो खरी उतरती हुई दिख रही है। रत्नेश जी देखिए, जहां तक बात है राहुल जी उम्मीद पर खरा उतरने की, तो देखिए उत्तराखंड और गोवा में हेड टू हेड से कंपटीशन चल रहा है, कभी बीजेपी आगे जा रही है तो कभी कांग्रेस आगे जा रही है, और अभी दो या तीन राउंड की ही काउंटिंग आज ही का ही होगी, तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, अभी कुछ देर पहले तक पंजाब की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी 76 सीटों पर आगे चल रही थी, हम 30 पर चल रहे थे, अब वो जो है कि कांग्रेस 40 पे आ गई है और वो 61 पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आना शुरू होगा, और देखिए कम से कम 23-24 राउंड की काउंटिंग होती है एक पूरी सीट से क्लियर होने में, तो अभी 2-3 राउंड की काउंटिंग से अगर हम कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, और इतना अगर खुश होकर कोई पार्टी आ रही है तो ठीक है, आप आइए, खुशी होइए, आपका स्वागत है, आपको नहीं रत्नेश जी ठीक है आप कह रहे हैं, अभी तो काउंटिंग लंबी चलेगी, लेकिन शुरुआती दौर में ही अगर बहुत ज्यादा आगे आप निकल जाएं तो फिर तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि जैसे उत्तराखंड में आपने कहा नेक टू नेक, लेकिन उत्तराखंड का अब तो माहौल बदल गया, अब नेक टू नेक वाला नहीं है, 23 पे कांग्रेस है और 43 पे बीजेपी है, 20 सीटों का अंतर है, और मणिपुर अगर आप जाएंगे मणिपुर में भी आप बहुत पीछे हैं, बीजेपी बहुत आपसे आगे है, बाकी उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की, आप भी स्वयं उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे, लेकिन वहां पर भी जो अपेक्षित सीटें थी, कई तो प्रवक्ता हमारे साथ बैठते थे बहस में तो वो तो दावा करते थे कि सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो लेकिन सीट जो अभी बढ़त बनाती दिख रही, 6 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं अभी, वो भी शुरुआत ही है, तो क्यों जनता ने ऐसे लगता है आपको कि कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बाकी नारे आपने बेरोजगारी का